नहीं हो रही, बड़ी बड़ी। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा, शिवलिंग है, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से अगर शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में गुरुजी ने हमें बताया है कि जो जैसे कि हम जल चढ़ाते हैं तो जल जो है शिवलिंग पे जैसे टच नहीं होना चाहिए, जो हमारा लोटा है गुरुजी ने बताया, और हमें कैसे चढ़ाना है आज की वीडियो में हमने गुरुजी से जाना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।